जय श्री राधे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बेस्ट बीटिंग डांस सॉन्ग, जिसमें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हमें किस तरह से डांस करना है। मैं पहली वीडियो इस पर बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को डांस करके दिखाया है कि हमें स्टेप जोड़कर किस तरह से डांस करना है। अब वन बाय वन वही स्टेप मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें किस तरह से करना है। सॉन्ग का नाम है मेहंदी है रचने वाली। अभी तक जिन लोगों ने नहीं देखा है, उन लोगों के लिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप जा करके मेरा डांस देखें। अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हमें इस पर डांस कैसे करना है, और मैं आप लोगों को फर्स्ट में ही पैर चलाना बता दूं। पैर हम पूरे सॉन्ग की स्टेप में इसी तरह से सेम पोजीशन में चलाएंगे। देखिए किस तरीके से पैर हमें बराबर इस तरीके से एक पैर को जमा लेना है और एक पैर को इस तरह से एड़ी उठाते हुए इस तरह से करना है। पैरों की सेम पोजीशन रहेगी। सॉन्ग के स्टार्टिंग में ट्यूनिंग होती है। ट्यूनिंग में हमें अपने लहंगे को इस तरह से पकड़ते हुए और ऐसे बैक हो जाना है, और हल्के हल्के अपने शोल्डर को हिलाते हुए इस तरह से आगे की ओर आना है। और पैरों की पोजीशन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि पूरे सॉन्ग की स्टेप में हमें अपने पैर किस तरीके से करने हैं। सॉन्ग की बोल कुछ इस तरीके से है, मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाल, जिसमें हमें अपने एक हाथ को इस तरह से करना है और एक हाथ की उंगली को इस तरह से घुमाते हुए हमें सामने की ओर देखना है, और पैर हमें सेम पोजीशन में चलाने हैं जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। देखिए किस तरीके से मेहंदी है रचने वाली, फिर नीचे की ओर अपने हाथों को दिखाते हुए हाथों में गहरी लाली, और इस तरह से अपने हाथों को करना है। मतलब मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली, इस पर हमें तीन स्टेप करनी है। फर्स्ट स्टेप में हमें इस तरह से हाथों को एक उंगली से दिखाते हुए, सेकंड स्टेप में हमें अपने हाथों को दोनों को नीचे की ओर दिखाना है, और थर्ड स्टेप में हमें इस तरह से उल्टे सीधे करते हुए दिखाना है। देखिए मैं आप लोगों को यही स्टेप साथ में जोड़कर बताती हूँ। देखिए वह तीनों स्टेप हमें जोड़ते हुए बोल पर किस तरीके से करना है। मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली, इस तरीके से हमें तीनों स्टेप करनी है। इसके बाद में बोल आते हैं कही सखियां, तो कही सखियां पर हमें एक हाथ को इस तरीके से दूर कर लेना है और एक हाथ को अपने होठों की तरफ लाते हुए इस तरीके से, और इस तरीके से हमें झुक जाना है। कही सखियां अब कलियां, कलियां इस तरीके से हमें अपने हाथ करनी है, वो भी साइड में। कही सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, जब बोल आएंगे हाथों में खिलने वाली है, तब हमें इस तरीके से अपने हाथों को घुमाते हुए हाथों में खिलने वाली है। कही सखियां अब गलियां हाथों में खिलने वाली है। अब मैं ये पूरे स्टेप आपको शुरू से जोड़ करके बताती हूँ। मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली, कही सखियां अब गलियां हाथों में खिलने वाली है। इसके बाद बोलाता है मेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। इसमें हमें अपने एक हाथ को इस तरीके से वन बाई वन अपने चेस्ट से लगाना है। देखिए जब हम राइट साइड का हैंड अपनी चेस्ट से लगाएंगे, तब लेफ्ट साइड का हैंड बिल्कुल सीधा हो जाएगा, और जब लेफ्ट साइड का हैंड अपनी चेस्ट से लगाएंगे तो राइट साइड का हैंड बिल्कुल सीधा हो जाएगा। मेरे मन को जीवन को नई खुशियों पर हमें अपने हाथों को ऊपर इस तरह से घुमाते हुए
नई खुशियां और फिर अपने हाथों को जोड़ लेना है, मिलने वाली है। मेरे मन को, जीवन को, फिर इस तरह से अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए नई खुशियां मिलने पर हाथों को ऊपर से इस तरह से पकड़ते हुए नीचे की ओर लाना है, नई खुशियां मिलने वाली है। अब मैं आप लोगों को जो स्टेप्स बताए हैं वह गाने के बोल पर करके बताती हूँ। देखिए, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कर सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली है। मेरे मन को, जीवन को, नई खुशियां मिलने वाली है। यहाँ तक का हमारा जो सॉन्ग है वह कंप्लीट होता है। इसके बाद में आती है ट्यूनिंग। तो ट्यूनिंग में हमें अपने हाथों को इसी तरह से पकड़े रहना है और इस तरह से आगे ऊपर और नीचे की ओर करना है, इस तरीके से। फिर गाने के बोल वही रिपीट होते हैं, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। तो हमें स्टेप वही सेम रखनी है जो मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ। मतलब यह गाना दो बार यह बोलता है, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली है। मेरे मन को, जीवन को, नई खुशियां मिलने वाली है। इसके बाद में जब दूसरी ट्यूनिंग आती है तो उसमें मैंने स्टेप चेंज कर दी है। उसमें हमें एक हाथ को सिर पर रखना है और एक को कमर पर, और हल्के हल्के कमर को इस तरह से हिलाना है। चलिए अब गाने के बोल के आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है ओ हरियाली बन्नो। तो हमें एक हाथ को इस तरह से पीछे करते हुए और हल्का सा झुकने के बाद में इस तरह से अपने होठों की तरफ इस तरह से अपने हाथ को लाते हुए ओ हरियाली बन्नो, मतलब झुकते हुए हमें इस तरह से अपने हाथों को करते हुए ओ हरियाली बन्नो, लेने को तुझको मियां, मतलब लेने को। तो अपने दोनों हाथों को जिस तरह से हम किसी को बुलाते हैं, लेने को तुझको मियां, लेने को तुझको, तब तक तो हमें इस तरीके से पीछे की ओर जाना है, मियां पर हमें इस तरह से बलैया लेना है। ओ हरियाली बन्नो, लेने को तुझको मियां। फिर इसके बाद आता है आने वाले हैं सैया। ओ हरियाली बन्नो, लेने को तुझको मियां। फिर इसके बाद में आने वाले हैं सैया। तो हमें इस तरह से एक हाथ को अपनी ओर खींचते हुए और ऊपर के हाथ को इस तरह से घुमाते हुए करना है, आने वाले हैं सैया। इस पर हमें अपने एक हाथ को इस तरह से अपनी ओर खींचना है और एक हाथ को घुमाना है, आने वाले हैं सैया, थामेंगे तेरी मैया। तो एक हाथ को सामने करते हुए दूसरे हाथ को उसी के ऊपर रखते हुए थामेंगे तेरी मैया, आने वाले हैं सैया, थामेंगे तेरी मैया, गूंजेंगे सहनाई। सहनाई पर हमें इस तरह से सहनाई, थामेंगे तेरी बहिया, गूंजेंगे सहनाई। अंगनाई, अंगनाई पर हमें अपने दोनों हाथों को इस तरह अंगनाई, अंगनाई, गूंजेंगे सहनाई। फिर उसी के बाद में फिर से वही बोल आते हैं, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। तो जो मैंने आपको फर्स्ट में स्टेप बताई थी वही स्टेप हमें
यहाँ पर करनी है। मैंने सेम स्टेप इसलिए बताई है क्योंकि कई लोगों को नई नई स्टेप याद रखने में बहुत परेशानी आती है और काफ़ी बार वह स्टेज पर जा करके वह स्टेप भूल जाती है, इसीलिए मैंने सेम स्टेप हर जगह पर रखी है जिससे वह एक बार में ही याद कर ले और स्टेज पर भूले नहीं। अब मैं आपको लास्ट की ट्यूनिंग की स्टेप बताती हूँ कि हमें लास्ट में किस तरीके से करना है। लास्ट की ट्यूनिंग में हमें तीन स्टेप करनी है जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। एक में हमें अपने हाथों को इस तरह से जोड़ लेना है, ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से लाना है। दूसरी ट्यूनिंग में हमें अपने हाथों को इस तरह से छोड़ते हुए अपने कंधों पर इस तरह से हाथों को रखना है। देखिए यहाँ पर अपने दोनों हाथों को इस तरीके से छोड़ना है, फिर यहाँ पर इस तरीके से उंगलियों के साथ में कंधे पर रखना है और अपने कंधों को इस तरीके से हिलाते हुए गोल गोल घूमना है। और जो तीसरी स्टेप है उसमें हमें अपने हाथों को इस तरीके से रखना है, 1 2 3 4 इस तरीके से करना है और ये तीनों स्टेप हमें लास्ट की ट्यूनिंग पर करना है। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप भी घर बैठे किसी भी गाने पर डांस करना सीखें। जिन्हें बिल्कुल भी डांस नहीं आता है उनके लिए भी मैं कई सिंपल डांस स्टेप लाई हूँ और लाती रहूंगी और मैं डांस स्टेप जो बेडिंग सॉन्ग्स होते हैं उन पर भी डांस स्टेप के साथ में सिंपल ट्यूटोरियल भी लाती हूँ जिससे आप घर बैठे डांस करना सीखें। जल्द ही एक और सॉन्ग पर मैं आपके लिए ट्यूटोरियल लाऊंगी, तब तक के लिए राधे राधे।